ना टूटेगा ना बिखरेगा और ना ही चावल भिगोने की टेंशन। तो आज हम लेकर आए हैं अनारसे की रेसिपी जो कि इंस्टेंट बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कप चावल का आटा ले लिया है। हमने यहाँ पे चावल को भिगोकर नहीं बनाएंगे, हम चावल के आटे से बनाएंगे। तो हमने एक कप चावल के आटे लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप से कम, तो देखिए यहाँ आधा कप से कम ले लिया है गेहूँ का आटा। तो आप सोचेंगे गेहूं का आटा मतलब गेहूं के आटे में अनारसे कैसे तैयार होंगे? जी हाँ दोस्तों, इसमें चावल के आटे में गेहूं का आटा डालने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक कढ़ाही लेंगे और इसमें डालेंगे जितना आटा लिया है ना उतना ही पानी डालेंगे। मतलब एक कप चावल का आटा लिया था और आधा कप से कम लिया था गेहूँ का आटा, तो उतना पानी डाल देंगे मतलब डेढ़ कप। और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि चिपके नहीं जब आटा इसमें डालेंगे तो। और इसमें डाल देंगे एक कप चीनी, हमने एक कप चावल का आटा लिया था ना, तो एक कप चीनी लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, हम सिर्फ चीनी को मेल्ट करेंगे। तो देखिए ये मेल्ट अच्छे से हो चुका है। तो जो हमने आटे को अच्छे से मिक्स करके रखा है ना, चावल के आटे और गेहूं के आटे को, इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इस तरह कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और ये देखिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा गिराते जाना है। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ा गिराते जाना है और इसे अच्छे से कंटिन्यू चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और ये देखिए अच्छे से एकदम ये ढो तैयार हो जाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते जाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गया और ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब ढो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से जब कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना तो आप इसे एक परात में निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम इसे एक परात में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से कोई भी गुठलियाँ नहीं है ना, तो इस तरह से अच्छे से ढो तैयार कर लेना है। तो चलिए हमने एक थाली में निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और थोड़ा ठंडा गर्म ही रहेगा ना तो हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, हाथों में तेल लगाकर इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा आटा परफेक्ट तरीके से तैयार हो जावे। और मसलने के बाद थोड़ा लोई लेंगे, आप छोटा बड़ा कोई भी आकार के ले सकते हैं, और इस तरह से गोल आकार का शेप देकर चिपटा कर देंगे। तो आप इसे गोल आकार का ऐसा ही रहने देना चाहते हो तो ऐसा ही रहने दे, नहीं तो चिपटा कर दे। तो देखिए हम इस तरह से चिपटा कर दिए जिस तरह से अनारसे की शेप होता है। और अब हम लेंगे सफ़ेद तिल लेंगे और इसमें कोटिंग कर देंगे। और ये देखिए तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये होता है ना कि तिल गिर जाती है तेल में, तो आप इस तरह से कोटिंग कीजिएगा ना तो ये तिल बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या करना है, तिल लगाने के बाद इस तरह से हाथों से प्रेस कर देना है, इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा ना तो तिल बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरह से चिप कोटिंग करने के बाद इस तरह से हाथों से ये अच्छे से दबा देना है। तो आप इस तरह से एक बार बनाएंगे ना तो ये तेल में तिल बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से पहले दोनों तरफ से तिल चिपकाना है और इस तरह से हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जावे और ये तेल में जाने पर निकले नहीं। तो आप चाहे तो एक तरफ ही कोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम दोनों तरफ ही कर सकते हैं, अनारसे में तो दोनों तरफ ही होता है दोस्तों। और ये देखिए हमने सारे अनारसे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे और इसे डालकर इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके। तो चलिए 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे और इसे आराम से पलटना है ताकि टूटे नहीं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लगा है ना, इसका मतलब ये है कि एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो ये बिना झंझट के बनके तैयार हुआ है दोस्तों। जब आप चावल को भिगोकर बनाते हैं ना उसमें कितना प्रोसेस रहता है, और ये तो एक कप चावल का आटा लेना है और शुरू कर देना है बनाना, तो ये एकदम इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए 6 से 7 मिनट हुआ और ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुका है। और ये देखिए तेल में तिल भी नहीं निकला है दोस्तों, मतलब थोड़ा बहुत निकला है वो तो आम बात है। तो चलिए एक छन्नी में निकाल लेते हैं और ये देखिए एकदम लग रहा है ना कि मार्केट जैसा बनके तैयार हुआ है। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से सारे बैचेस को फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह से एक कप चावल के आटे और गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतने क्रिस्पी बन के तैयार होता है क्या बताऊँ। तो चलिए हमने सेकेंड बैच भी तैयार कर लिया और ये देखिए इसमें से भी तिल नहीं निकला है दोस्तों, मतलब ये परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। तो आपको ये अनारसे की रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।